Welcome. Subscribe to AS Foundation, India's leading academy for CA course, and hit the bell icon to get the latest updates. Thank you. Please come to question number 11. Ready? Question number 11 आपके सामने है. Alpha Limited furnishes the following summarized balance sheet as on 31st March 2017. ठीक है? तो ये balance sheet जरा देखना. रुपीज इन लैक्स, इक्विटी शेयर कैपिटल 2400, फुल्ली पेड अप शेयर ऑफ रुपीज 10 ईच. ठीक है, तो 10 रुपया फेस वैल्यू है, ऊपर रुपीज इन लैक्स लिखा हुआ है, तो कितने शेयर हुए हैं? 240 लैक्स हो गए, 240 लैक्स शेयर्स हो गए ना. और यहाँ पे चार रिजर्व दिए हुए, सिक्योरिटीज प्रीमियम, जनरल रिजर्व, CRR, P&L अकाउंट. तो CRR को आप यूज नहीं करना. और ये डिबेंचर पेबल, ट्रेड पेबल, अदर करंट लाइबिलिटीज. एसेट साइड में देखना, मशीनरी, फर्नीचर, इन्वेस्टमेंट. एक इन्वेस्टमेंट है यहां पे 148 का, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एट बैंक. ठीक है, सिंपल प्रॉब्लम. और नीचे लिखा हुआ है, ऑन 1st April 2017 द कंपनी अनाउंस द बायबैक ऑफ 25% ऑफ इट्स इक्विटी शेयर एट रुपीज 15 पर शेयर. एट रुपीज 15 पर शेयर. तो बायबैक का उन्होंने अमाउंट भी दिया है, रेट भी दिया है. हमारा काम कम हो गया. बायबैक 25% ऑफ इट्स इक्विटी शेयर. तो ऊपर हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया, 240 लाख शेयर है. 240 का 25% करो, 60 लाख शेयर बायबैक करेंगे. 10 रुपया फेस वैल्यू है और बायबैक प्राइस कितनी है? 15 रुपया बायबैक प्राइस है, 15 रुपीज. सो बायबैक प्रीमियम कितना हुआ? बायबैक प्रीमियम फेस वैल्यू के ऊपर हम कितना दे रहे हैं? 5 रुपया दे रहे हैं. तो 5 रुपया आप सिक्योरिटीज प्रीमियम को डेबिट करना. ठीक है, और फिर लिखा है, फॉर दिस पर्पस इट सोल्ड ऑल द इन्वेस्टमेंट फॉर 150 लाख. इधर देखना, ये इन्वेस्टमेंट कितना दिख रहा है आपको? 148 का इन्वेस्टमेंट 150 में बेचा है तो प्रॉफिट होगा कितना? 2 लाख, राइट. तो ये तो नॉर्मल एंट्री है. ऑन 5th April 2017 कंपनी अचीव्ड द टारगेट ऑफ बायबैक. You are required to pass journal entries, prepare balance sheet after the buyback of shares. ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर टू बी बॉट बैक कैलकुलेट करना है? नहीं दिया करना है, क्योंकि ऑलरेडी आपको नंबर दिया हुआ है यहाँ पे, 25% ऑफ शेयर कैपिटल. तो 60 लाख शेयर आपको बायबैक करना है, ये ऑलरेडी क्वेश्चन में स्पेसिफाइड है. तो डायरेक्टली जर्नल एंट्रीज पास करेंगे. तो फॉर्मेट ड्रॉ करना पहले. इन द बुक्स ऑफ अल्फा लिमिटेड, इन द बुक्स ऑफ अल्फा लिमिटेड, जर्नल एंट्रीज, डेट, पर्टिकुलर्स, डेबिट, क्रेडिट. ऊपर लिखना राइट साइड में, रुपीज इन लैक्स, रुपीज इन लैक्स. एक फुल पेज ड्रॉ कर लो. फॉर्मेट ड्रॉ कर लिया. ठीक है, तो पहले क्या करें, इन्वेस्टमेंट सेल कर दें. तो मैं बोलता जाऊंगा एंट्री, आप लिखते जाना. बैंक अकाउंट डेबिट 150,
bank account debit 150, to investment account 148, to investment account 148, फिर क्या लिखेंगे, to P&L account, to P&L account 2, to P&L account 2, being investment sold at a profit of rupees 2 lakh, investment sold at a profit of rupees 2 lakhs. लिख लिया ना, अब हमें देखना है बायबैक का सोर्स क्या है, क्या हमने कोई फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स किया है क्वेश्चन में, नहीं, तो सीआरआर में ट्रांसफर करना होगा, सीआरआर में कितना अमाउंट ट्रांसफर करेंगे, 60 लाख शेयर इनटू 10, 60 इनटू 10 600, तो 600 हमें सीआरआर में ट्रांसफर करना है, तो इस बार जनरल रिजर्व में 530 है और बाकी हम पीएनएल अकाउंट या सिक्योरिटीज प्रीमियम को डेबिट कर सकते हैं, तो पीएनएल अकाउंट कर देना, तो एंट्री लिखना अभी जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट 530, कोशिश करेंगे सीआरआर में हम जनरल रिजर्व पहले यूज करेंगे फिर पीएनएल अकाउंट, लेकिन हमें चाहिए 600, तो और 70 रुपए पीएनएल अकाउंट को डेबिट कर दो, पीएनएल अकाउंट डेबिट 70, लिखते रहना है साथ साथ, टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट, टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट 600, नरेशन होमवर्क, दो तीन लाइन छोड़ दो नरेशन लिखने के लिए, पिछले सारे क्वेश्चन के नरेशन लिख चुके हैं, हाँ अभी आके देखते हैं, उसके बाद इक्विटी शेयर को टोटल अमाउंट जो पेबल है उसकी एंट्री करेंगे, तो अगली एंट्री होगी इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, फिर से लिखना 60 लाख शेयर इंटू 10, 60 लाख शेयर्स इंटू 10, 600, तो 600 तो कैपिटल कम हो जाएगा, लेकिन हम बायबैक कर रहे हैं 15 रुपए पे, तो 5 रुपया प्रीमियम को डेबिट करना है, 60 इंटू 5 कितना होता है, 300, क्या सिक्योरिटीज प्रीमियम में 300 है ना, 350 है, तो 300 हम डेबिट कर सकते हैं, लिखो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट 60 इंटू 5, 300, टू इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट, टू इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट 60 लाख शेयर्स इंटू 15, कितना हो गया 900, नरेशन होमवर्क, टू लाइन्स और थ्री लाइन्स ब्लैंक, नरेशन इज होमवर्क टुडे, कंपल्सरी होमवर्क, एंड देन वन मोर एंट्री, इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक, ये जो लास्ट की दो एंट्री है उसकी डेट लिखना है आपको 5 अप्रैल, क्योंकि 5 अप्रैल दिया हुआ ना क्वेश्चन में, 5 अप्रैल को बायबैक खत्म हुआ, तो 5 अप्रैल 2017, being payment made to equity shareholder on account of buyback of 60 lakh shares, on account of buyback of 60 lakhs shares, जर्नल एंट्री एक बार देखो, समझ में आया, एनी क्वेरी, अब क्या करना है, इस क्वेश्चन में बैलेंस शीट भी पूछा है या नहीं पूछा है, तो बैलेंस शीट भी बनाएंगे, पहले बैलेंस शीट का एक फॉर्मेट ड्रॉ कर लेते हैं, बैलेंस शीट का पहले एक
फॉर्मेट ड्रॉ कर लेते हैं। बैलेंस शीट ऑफ अल्फा लिमिटेड लिखो, बैलेंस शीट ऑफ अल्फा लिमिटेड एज ऑन, डेट लिखना एज ऑन 5th अप्रैल 2017। डेट क्या लिखेंगे? 5th अप्रैल 2017 लिखा। सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स, नोट नंबर, रुपीज और रुपीज इन लैक्स लिखना, रुपीज इन लैक्स। सीरियल नंबर ए, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। क्वेश्चन किसी भी फॉर्मेट में दिया जाए, आपको शेड्यूल थ्री के हिसाब से फॉर्मेट ड्रॉ करना है। इक्विटी एंड लाइबिलिटीज लिखा। वन, शेयरहोल्डर्स फंड्स, शेयरहोल्डर्स फंड्स अंडर दैट ए शेयर कैपिटल, बी रिजर्व्स एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस, नोट नंबर वन, नोट नंबर टू। पॉइंट नंबर टू लिखना नॉन करंट लाइबिलिटीज। नॉन करंट लाइबिलिटीज में लिखेंगे लॉन्ग टर्म बोरोइंग, लॉन्ग टर्म बोरोइंग। नोट नंबर थ्री, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, नोट नंबर थ्री। फिर लिखना पॉइंट नंबर थ्री, करंट लाइबिलिटीज। पॉइंट नंबर थ्री, करंट लाइबिलिटीज। वहां पर आप देखो बैलेंस शीट में दो करंट लाइबिलिटी दी हुई है, एक ट्रेड पेएबल है, एक अदर करंट लाइबिलिटीज है। ट्रेड पेएबल, अदर करंट लाइबिलिटीज। अब हमें देखना है कि ट्रेड पेएबल और अदर करंट लाइबिलिटीज में हमने कोई डेबिट क्रेडिट किया है नहीं, तो ये अमाउंट लिख सकते हैं। बोलिए ट्रेड पेएबल कितना है? 1400 है फर्स्ट कॉलम। अदर करंट लाइबिलिटीज 478 टोटल इन द आउटर कॉलम, 1878 राइट। फिर लिखना टोटल, अभी टोटल करना मत। पॉइंट नंबर बी एसेट्स, पॉइंट नंबर बी एसेट्स। पूरे मार्क्स चाहिए तो पूरा लिखो, ठीक है? आप लिखेंगे कम, वो भी देंगे कम। वन, नॉन करंट एसेट लिखा, उसके नीचे लिखना ए प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। सारी प्रैक्टिस नहीं करेंगे हम, उसके नीचे रोमन वन टेंजिबल। नोट नंबर फोर लिखना, क्योंकि वहां पे दो एसेट है, मशीनरी और फर्नीचर, तो नोट में लिखेंगे। फिर सिर्फ एक रहता तो हम यहां लिख सकते थे। पॉइंट नंबर टू लिखना करंट एसेट्स। करंट एसेट्स में ए इन्वेंट्री, बी ट्रेड रिसीवेबल्स, सी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। अब आप मुझे बताइए ये इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं लिखा? चल हो गया। इन्वेंट्री में हमने कोई एडजस्टमेंट किया है या नहीं? इन्वेंट्री में हमने कोई एडजस्टमेंट नहीं किया, तो इन्वेंट्री वापस 1200 आएगा। ट्रेड रिसीवेबल में भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है, 500 आएगा। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में आपने एक 1500 रुपये पहले लिखो, इन्वेस्टमेंट कितने में बेचा था? 150। और इक्विटी शोल्डर्स को कितना अमाउंट दिया आपने? 900। तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितना बचा? 750। टोटल जल्दी से आउटर कॉलम में बताना, 2450। फिर लिखना नेक्स्ट लाइन टोटल, लेकिन अभी टोटल लिखना नहीं है, ठीक है? क्योंकि प्रॉपर्टी प्लांट का फिगर बाकी है। इधर एक तरह से शेड्यूल थ्री की भी प्रैक्टिस हो रही है साथ साथ। तो अभी लिखना नोट नंबर वन शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल पर्टिकुलर्स रुपीज इन लैक्स लिखो, राइट हैंड साइड रुपीज इन लैक्स। शेयर कैपिटल ऑथराइज्ड
जरा बैलेंस शीट में देखना या नीचे आसपास कहीं ऑथराइज कैपिटल दिया हुआ है, नहीं, डैश डैश इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच, डैश डैश इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच इन द आउटर कॉलम, डैश डैश डबल अंडरलाइन, ठीक है। इशूड सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप। अब जरा देखना, आपकी बैलेंस शीट में पहले 240 लाख शेयर्स थे, 60 बायबैक हो गए, तो बचे कितने, 180 लाख शेयर बचे हैं, तो आप लिखेंगे इशूड सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप के नीचे 180 लाख शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच फुल्ली पेड, 180 लाख शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच फुल्ली पेड, तो अभी आंसर आएगा 1800। एक नोट लिख देते हैं, लिख दें, ड्यूरिंग द ईयर द कंपनी बॉट बैक, ड्यूरिंग द ईयर द कंपनी बॉट बैक 60 lakhs इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच, कंपनी बॉट बैक 60 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच, इतना लिख दिया, अच्छी बात है। तो टोटल कितना आया शेयर कैपिटल का, 1800 आया, लिख दो 1800 बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट में, हाँ 1800 लिख दो शेयर कैपिटल, नोट नंबर वन के सामने 1800। रिजर्व एंड सरप्लस, नोट नंबर टू, रिजर्व एंड सरप्लस लिखो अपने से, नोट नंबर टू, अब आपको आदत हो गई होगी, सीरियल नंबर पर्टिकुलर्स रुपीस रुपीस, दो कॉलम, रुपीस इन लाख, राइट हैंड साइड रुपीस इन लाख, फिर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं ताकि कुछ मिस ना हो जाए। सिक्योरिटीज प्रीमियम लिखो, पॉइंट नंबर ए सिक्योरिटीज प्रीमियम, इनर कॉलम 350 है, क्या हमने उसे यूज किया है अपने एंट्रीज में, यस, लेस यूटिलाइज्ड फॉर बायबैक प्रीमियम ऑन इक्विटी शेयर, पूरा लिखना है, लेस यूटिलाइज्ड फॉर बायबैक प्रीमियम ऑन इक्विटी शेयर्स 300 इन ब्रैकेट, आउटर कॉलम 350 माइनस 300 50 लिख दिए। अगला रिजर्व क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, जनरल रिजर्व लिखो, जनरल रिजर्व डैश ओपनिंग बैलेंस फर्स्ट कॉलम 530, क्वेश्चन सामने, जनरल रिजर्व 530 लेस ट्रांसफर टू सीआरआर, लेस ट्रांसफर टू सीआरआर 530 ब्रैकेट इन ब्रैकेट, ब्रैकेट में लिखो बैलेंस इन द आउटर कॉलम जीरो, उसके बाद क्या दिया हुआ है, पॉइंट नंबर सी लिखना, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, एक एक लाइन छोड़ के, पॉइंट नंबर सी कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व डैश ओपनिंग बैलेंस 400 एड ट्रांसफर फ्रॉम जनरल रिजर्व, एड ट्रांसफर फ्रॉम जनरल रिजर्व कितना, ट्रांसफर ऑफ 530, और लिखो एड ट्रांसफर फ्रॉम P&L अकाउंट, ट्रांसफर फ्रॉम P&L अकाउंट 70, दो ट्रांसफर हुए 530 और 70, अब मुझे टोटल बताइए, 1000 आउटर कॉलम, 1000 आउटर कॉलम, CRR का टोटल 1000 हुआ, वन लाइन ब्लैंक, पॉइंट नंबर डी, और एक क्या रह गया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इनर कॉलम 340, ओपनिंग बैलेंस 340, फिर हमने एक इन्वेस्टमेंट बेचा था ना, उस पर प्रॉफिट हुआ, एड प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, एड प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट टू, एड प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट टू लेस, कुछ लेस भी किया है, ट्रांसफर टू सी आर आर, लेस ट्रांसफर टू
CRR 17 bracket balance in the outer column 272 और कोई नया रिजर्व क्रिएट हुआ है नहीं. अब हम टोटल करने की स्थिति में हैं. 13 बैलेंस शीट पर आना, शेयर होल्डर फंड 1322, इसका टोटल आउटर कॉलम में बताइए 3122. अभी एक नोट नंबर 3 लिखेंगे आप, नोट नंबर थ्री रिजर्व लॉन्ग टर्म बोरोइंग, -long-term borrowing. फिर उसके नीचे लिखना सिक्योर्ड. रोज आना है, प्रैक्टिस करना, तो मैं क्या बोल रहा हूँ समझ में आएगा. ठीक है, कुछ लोग इधर उधर देख रहे हैं क्या बोल रहे हैं. लॉन्ग टर्म बोरोइंग, नेक्स्ट लाइन सिक्योर्ड. अब सिक्योर्ड में क्या आएगा, कुछ दिख रहा है आपको बैलेंस शीट में? 12% डिबेंचर आएगा, लिखो 12% डिबेंचर. 12% डिबेंचर कितना है? 1500 लिखो, 1500. 12% डिबेंचर 1500. बैलेंस शीट पर आ जाओ और यहां पे लिखो 1500, 12% डिबेंचर लॉन्ग टर्म बोरिंग, नोट नंबर 3 आउटर कॉलम 1500. अब आप मुझे लायबिलिटी साइड का टोटल करके बता सकते हैं 6500. ठीक है, नोट नंबर 4 लिखना अभी आप. नोट नंबर 4 क्या लिखेंगे? टेंजिबल एसेट्स लिखो अपने से. नोट नंबर 4 टेंजिबल एसेट्स. नोट नंबर 4 टेंजिबल एसेट्स. अब आप बैलेंस शीट की एसेट साइड में जाओ. दो टेंजिबल एसेट दिख रहे हैं वहां पे, कौन कौन से? मशीनरी, फर्नीचर, बिल्कुल एज इट इज कॉपी करना है. मशीनरी 3600, फर्नीचर 450, टोटल 4050. बैलेंस शीट पर आ जाओ. 4050 टेंजिबल एसेट, नोट नंबर 4 आउटर कॉलम 4050. अब टोटल करेंगे एसेट साइड की, टैली हो गया. डबल एंट्री सिस्टम फॉलो करेंगे तो टैली होगा. एरे डाउट, एक स्टूडेंट को डाउट है, देखो बोलो जोर से. 5 अप्रैल, 5 दिन का इंटरेस्ट डिबेंचर पे पेबल करेंगे, इग्नोर्ड. अभी हमारा मुख्य मुद्दा क्या है यहाँ पे? बायबैक समझना. ठीक है, तो फिलहाल बाकी ट्रांजेक्शन को हम इग्नोर करेंगे. वैसे तो आप बोलेंगे 5 दिन में सेल भी हुआ होगा, परचेज भी हुआ होगा, 5 दिन की सैलरी भी होगी. तो फिलहाल हमारा पर्पज है ओपनिंग बैलेंस शीट और इस ट्रांजेक्शन को मिलाकर एक बैलेंस शीट आपको बनानी है. ये हम क्लासरूम में कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में हैं, इसलिए सिर्फ जितने ट्रांजेक्शन दिए जाएंगे अभी उतना ही करेंगे. ठीक है, वैसे बायबैक 5 दिन में खत्म नहीं होता है. क्वेश्चन और प्रैक्टिकल वर्ल्ड में थोड़ा डिफरेंस आ जाता है. कुछ कुछ क्वेश्चन मतलब एक ही दिन में बायबैक भी खत्म हो जाता है. 31 मार्च की बैलेंस शीट और 1 अप्रैल को बायबैक हो गया, ऐसा नहीं होता है ना. चलो ठीक है, आइए चले क्वेश्चन नंबर अब 12 की ओर. तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर, सामने रखना. अब थोड़ी स्पीड बढ़ाना, इतने क्वेश्चन हो गए ना. उमेश लिमिटेड रिजॉल्व्स टू बाय बैक 4 lakh ऑफ इट्स फुल्ली पेड इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच एट ₹22 पर शेयर. ₹10 का शेयर है और बायबैक कर रहे हैं ₹22 पे, और कितने शेयर बायबैक कर रहे हैं? 4 lakh. तो 4 lakh into 10 कितना हुआ? 40 lakh. एंड 4 lakh into 12 कितना हुआ? 48 lakh. तो 40 lakh शेयर कैपिटल और 48 lakh बायबैक प्रीमियम.
This buyback is in compliance with the provisions of the Companies Act and does not exceed 25% of the company's paid up capital in the financial year. तो उन्होंने खुद ही लिख कर दे दिया कि buyback is as per Companies Act. तो अब बैठ के चेक नहीं करना है कि वो 4 लाख सही है या नहीं है. ठीक है, दिया है, ले लो. For this purpose it issues 1,11% preference share of rupees 10 each at par. तो 1 लाख इंटू 10 करना 10 लाख. तो इस बार बायबैक के दो सोर्सेज हैं. प्रेफरेंस शेयर 10 लाख, लेकिन आपने कहा 40 लाख के फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर हम बायबैक कर रहे हैं, तो बाकी 30 लाख कहां से ट्रांसफर होगा? सीआरआर से. ठीक है, सीआरआर में ट्रांसफर होगा. द इंटायर अमाउंट इज पेबल ऑन एप्लीकेशन. कंपनी यूजेस 16 लाख ऑफ इट्स बैलेंस इन सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट. तो सिक्योरिटीज प्रीमियम में जो 16 लाख है वो हम यूज करेंगे पूरा. फ्रॉम अपार्ट फ्रॉम इट्स एडिक्वेट बैलेंस इन जनरल रिजर्व. अपार्ट फ्रॉम इट्स एडिक्वेट बैलेंस इन जनरल रिजर्व में सफिशियंट बैलेंस है, जितना चाहे यूज कर सकते हैं. और सिक्योरिटीज प्रीमियम हम कितना यूज कर सकते हैं? 16 लाख तक. तो सिक्योरिटीज प्रीमियम को मैं कहां यूज करूंगा? प्रीमियम ऑन बायबैक. प्रीमियम ऑन बायबैक, मुझे 48 लाख रुपीस प्रीमियम देना, तुम 16 लाख कहां से देंगे? सिक्योरिटीज प्रीमियम से, और बाकी जनरल रिजर्व से. क्वेश्चन में लिखा है जनरल रिजर्व में एडिक्वेट बैलेंस है. गिव जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड द अबव ट्रांजैक्शंस. क्या बैलेंस शीट बनानी है? नहीं. क्या हमें मिनिमम रिक्वायर्ड नंबर ऑफ शेयर्स टू बी बॉट बैक कैलकुलेट करना है? नहीं, सब दिया हुआ है. सिर्फ 4-5 एंट्रीज पास करो और 6-8 मार्क के हकदार बनो. ठीक है, लिखो बुक्स ऑफ उमेश यादव लिमिटेड, सॉरी उमेश लिमिटेड. यादव कहां से आ गया बीच में? लिखा, फॉर्मेट रेडी, जर्नल एंट्रीज, डायरेक्टली जर्नल एंट्रीज पास करेंगे. डेट पर्टिकुलर्स डेबिट क्रेडिट रुपीस रुपीस, लगभग एक पेज ड्रॉ कर लो, फुल पेज ड्रॉ कर लो स्केल से. स्केल कहाँ आपका? अच्छा, लाइन ड्रॉ कर लिया. हेलो भाई साहब, स्केल कहाँ है? बाहर निकालो, बैग में रख के एक का दो हो जाएगा. कहां से लाते हो इतना आलसपन? ऐसे कूट कूट कर भरा हुआ तुम्हारे अंदर. लाइन ड्रॉ करो फटाफट. चलो पहले हम क्या करेंगे, प्रेफरेंस शेयर इश्यू कर दें. 1 लाख इंटू 10 लाख, तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट 10 लाख. जिनको लाख में लिखना है वो 10 लिखेंगे, जिनको पूरा लिखना है वो पूरा 10 लाख लिखेंगे. टू प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट. टू प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट. टू प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट कितना आया? 10 लाख. पहले हम एप्लीकेशन अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, बाद में हम शेयर इशू करते हैं. एग्जाम में समय कम रहा तो डायरेक्टली प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, लेकिन आज तो समय ही समय है, तो आज दो एंट्री करेंगे. सेकेंड एंट्री नरेशन होमवर्क, दो लाइन ब्लैंक रखो. क्या लिखेंगे अभी? प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट. प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 10 लाख. पूरा लिखो, प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 10 लाख. टू 11% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट 10 लाख. टू 11% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट 10 लाख. टू लाइन्स ब्लैंक फॉर राइटिंग नरेशन. 11% preference share capital account 10 lakh.
तो प्रेफरेंस शेयर अगर हमने 10 लाख के इशू किए हैं बायबैक के लिए, तो सीआरआर में अमाउंट जो ट्रांसफर करना है वो कम हो जाएगा। सीआरआर में अमाउंट ट्रांसफर करना है हमें 40 लाख, लेकिन 10 लाख प्रेफरेंस शेयर आपने शेयर इशू किया है तो 30 लाख ही अब ट्रांसफर करेंगे। सो नेक्स्ट एंट्री जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट 30 लाख, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट 30 लाख, ब्रैकेट में लिखना 40 लाख माइनस 10 लाख, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट 30 लाख टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट, टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट हाउ मच 30 लाख, नरेशन होमवर्क, टू लाइंस ब्लैंक फॉर नरेशन। उसके बाद हमें अमाउंट ड्यू टू इक्विटी शेयर होल्डर्स की एंट्री करनी है, तो पहले हम लिखेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, अगली एंट्री इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 4 लाख शेयर्स इंटू रुपीज 10, 4 लाख शेयर्स इंटू रुपीज 10 कितना आया 40 लाख। रुको एक मिनट, हमें टोटल सिक्योरिटीज प्रीमियम कितना, टोटल प्रीमियम कितना भरना है बायबैक के लिए 48 लाख। सामने स्क्रीन पे देखो 4 लाख इंटू 12 रुपीज 48, लेकिन उन्होंने कहा कि सिक्योरिटीज प्रीमियम में सिर्फ 16 है, तो 48 में से हम 16 पहले सिक्योरिटीज प्रीमियम को डेबिट करेंगे और जो बाकी बचेगा वो जनरल रिजर्व को, तो जनरल रिजर्व को 32, इज इट राइट। तो एंट्री लिखना इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 40 लाख लिखा, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट 16 लाख, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट 16 लाख, 16 लाख दिया हुआ है, ब्रैकेट में लिखो गिवन, कहां से आया गिवन, लिखा ब्रैकेट में गिवन। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट 32 लाख, यहां ब्रैकेट में लिखना है 48 लाख माइनस 16 लाख, 48 माइनस 16, टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट, टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट ब्रैकेट में लिखना 4 लाख शेयर इंटू 22, बोलो जी कितना होता है 4 लाख शेयर इंटू 22, 88 लाख। देखो जरा टोटल डेबिट और क्रेडिट साइड का मैच हो रहा है, 88 लाख, नरेशन होमवर्क, और एक एंट्री पास करना, और एक एंट्री क्या करेंगे इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 88 लाख, टू बैंक अकाउंट 88 लाख, इज इट राइट। नरेशन होमवर्क, वापस 2 लाइन ब्लैंक रखो, अभी पिछले क्वेश्चन में नरेशन लिखवाया था ना मैंने, बस ये हो गया। ये क्वेश्चन करीब 4-5 मार्क के लिए आता है, ओनली एंट्रीज, बैलेंस शीट के साथ आएगा तो 8-10 मार्क हो सकता है, लेकिन इस क्वेश्चन में आप बैलेंस शीट बना भी नहीं सकते हैं, क्यों, आपको बैलेंस शीट का इंफॉर्मेशन है ही नहीं। चलिए एक और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है, क्वेश्चन 13 सामने रखना। अब आपने इतनी प्रैक्टिस कर ली कि आपको सब एक जैसे दिखने लगेंगे अभी, लेकिन सब में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस आएगा, थोड़ा थोड़ा, सिर्फ एक क्वेश्चन बिल्कुल सेम है तो उसको मैं बाद में होमवर्क दे दूंगा। अल्फा लिमिटेड फर्निशेस द फॉलोइंग समराइज्ड बैलेंस शीट एज ऑन 31st मार्च 2017, तो काफी बड़ी बैलेंस शीट दी है उन्होंने, रुपीज इन लैक्स, शेयर कैपिटल फुल्ली पेड शेयर ऑफ ₹10,2400, सिक्योरिटीज प्रीमियम, जनरल रिजर्व, सीआरआर, पीएनएल अकाउंट, तो चार रिजर्व अब जो करना इसके साथ ही करना, ठीक है, उसमें भी सीआरआर को आप यूज नहीं करेंगे। अभी पिछला क्वेश्चन भी कुछ ऐसा ही था ना, नॉन करंट लायबिलिटी 12% डिबेंचर, ट्रेड पेबल, अदर करंट लायबिलिटीज,
सेम टू सेम नहीं है, कुछ तो डिफरेंस है. फिक्स्ड एसेट, करंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड बैंक, टोटल. अब नीचे कुछ एडजस्टमेंट. ऑन 1st अप्रैल 2017 कंपनी अनाउंस्ड बायबैक ऑफ 25% ऑफ इट्स इक्विटी शेयर एट ₹15 पर शेयर. फॉर दिस पर्पस इट सोल्ड ऑल इन्वेस्टमेंट फॉर ₹150 लाख. यहाँ पे भी वही था, इधर इन्वेस्टमेंट किधर है 148. वाह, यहाँ तक सेम है, लेकिन इस बार कहानी में एक छोटा सा और ट्विस्ट है. क्या? ऑन 30th April 2017 द कंपनी इशूड 1 फुल्ली पेड अप इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच बाय वे ऑफ बोनस फॉर एवरी 4 इक्विटी शेयर हेल्ड बाय द इक्विटी शेयर होल्डर्स बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व. तो इस क्वेश्चन में एक एक्स्ट्रा एडजस्टमेंट है, बाकी पहले जैसा ही है. आई एग्री, इसमें आपको एक बोनस शेयर की भी एंट्री पास करनी होगी. बोनस शेयर कितने इशू करेंगे? पहले हमारी बैलेंस शीट में कितने शेयर है वो देखो, 240 लाख, माइनस 25% बायबैक हो गया 180. हाँ, बायबैक के बाद जो शेयर बचेगा उस पे 1:4 का रेशियो लगाना है, 45. तो 45 लाख बोनस शेयर इस बार हम इशू करेंगे, और उसके लिए कौन सा रिजर्व यूज करने की इन्होंने इंस्ट्रक्शन दिया? कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व. वैसे भी सीआरआर का पर्पस होता है टू इशू फुल्ली पेड बोनस शेयर, नहीं भी लिखा रहेगा तो पहले हम सीआरआर को यूज करेंगे बोनस शेयर के लिए. तो यहां पर इन्होंने एक बोनस शेयर वाला चैप्टर को इस चैप्टर के साथ मर्ज कर दिया है. एक अकाउंट्स में एक अलग से चैप्टर भी है बोनस शेयर्स, राइट. तो यू आर रिक्वायर्ड टू पास जर्नल एंट्रीज एंड प्रिपेयर बैलेंस शीट. सो प्रॉब्लम काफी हद तक सेम है, लेकिन बोनस शेयर की भी एंट्री करेंगे हम. लिखो, सोर्स ऑफ बायबैक क्या है? फ्री रिजर्व या फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स? फ्री रिजर्व. ओके, बोनस शेयर तो बाद में इशू हुआ है, बायबैक होने तक कोई आपने शेयर इशू नहीं किया है. तो बोनस शेयर को वैसे भी आप काउंट नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे कैश तो आया ही नहीं है, ठीक है, सिर्फ एक पॉकेट से दूसरे पॉकेट में पैसा गया है. एनीवे, बैक टू नॉर्मल. फर्स्ट एंट्री क्या होगी? फर्स्ट एंट्री बोलो, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट. कितने में सेल किया? 150. बैंक अकाउंट डेबिट 150 टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट 148 टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 2 बिंग प्रॉफिट ऑफ ₹2 लाख ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट. बिंग प्रॉफिट ऑफ ₹2 लाख ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट रिकॉर्डेड. प्रॉफिट ऑफ ₹2 लाख ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट रिकॉर्डेड. Is it right? लिख लिया सबने? उसके बाद क्या करेंगे? देखो, थोड़ी देर पहले आज किया था आपने क्वेश्चन में, पहले हम जनरल रिजर्व से सीआरआर में ट्रांसफर करेंगे. कितना ट्रांसफर करना है? 600, लेकिन मेरे पास है सिर्फ 530, तो बाकी जो हम 70 है वो हम पीएनएल अकाउंट को डेबिट करेंगे. रिपीट ही है क्वेश्चन, पहले 3-4 एंट्री रिपीट है. लिखो वापस, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट 530, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट 530, पीएनएल अकाउंट डेबिट 70 टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व 600, टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व 600. नरेशन 2 लाइन्स, होमवर्क. उसके बाद हम अमाउंट ड्यू टू इक्विटी शेयरहोल्डर्स करेंगे. तो अगली एंट्री होगी हमारी इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 600, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 600
और इस बार प्रीमियम कितना है? प्रीमियम इस बार भी 5 रुपए है। तो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट 60 लाख शेयर इंटू 5। एग्जाम में रट के मत जाना, हो सकता है आपके एग्जाम में 15 को 17 कर दे। कुछ लोग उसको भी याद करके जाते, इतनी कैपेबिलिटी दी है भगवान ने, है कि नहीं फर्स्ट बेंच? हाँ। 300 टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट, 900 16 into 15 नरेशन होमवर्क 3 lines blank और एक एंट्री पास करना। इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो पहली 4 एंट्री तो बिल्कुल एज इट इज अभी आपने लिखी ही थी, कोई बात नहीं। एक एंट्री, दो एंट्री अभी और बढ़ जाएगी, तो मेरे पास बायबैक के बाद बचे हैं 180 लाख शेयर और बोनस का रेशियो है 1:4 लिखा है यहां पे, 1 बोनस शेयर फॉर एवरी 4 शेयर हेल्ड। 180 डिवाइड बाय 4 करो 45 लाख नंबर, इंटू 10 करो, इंटू 10 450। तो मेरे को ये देखना है कि हमारे पास सीआरआर में 450 बैलेंस है या नहीं है। 400 ऑलरेडी है और अभी आपने कितना ट्रांसफर किया था? 600। 1000 है आपके पास, 1000 है और चाहिए सिर्फ 450। वाह, लिखो कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, 450 टू बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट, 450। बींग इश्यू ऑफ बोनस शेयर्स, इन द रेशियो ऑफ 1:4 फ्रॉम कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। नीचे एक और कैलकुलेशन दिखाना ब्रैकेट में, 1/4 into 180 इक्वल टू 45 लाख शेयर्स। ओके, तो बाद में आपको ध्यान में रहेगा कि 45 लाख कैसे आया। अब हम लास्ट एंट्री पास करेंगे इशू ऑफ बोनस शेयर की, अलॉटमेंट की, बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट 450 टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 450 बीइंग अलॉटमेंट ऑफ 45 लाख बोनस शेयर्स, तो ये नरेशंस हो गए। अब हमारे इस जर्नल एंट्रीज का हमारे बैलेंस शीट पे क्या प्रभाव पड़ेगा समझ लो। इक्विटी शेयर कैपिटल पहले थोड़ा घटेगा, फिर थोड़ा बढ़ेगा भी, सिक्योरिटीज प्रीमियम घटेगा, जनरल रिजर्व घटेगा, सीआरआर थोड़ा बढ़ेगा थोड़ा घटेगा, पीएनएल अकाउंट थोड़ा बढ़ेगा थोड़ा घटेगा, तो इन सब पे इफेक्ट आएगा चारों पे। डिबेंचर पे कोई इफेक्ट है? ट्रेड पेबल, अदर करंट लायबिलिटी, फिक्स्ड एसेट, इन पे कुछ नहीं है। ये करंट इन्वेस्टमेंट बिक गया, अब ये नहीं आएगा। इन्वेंट्री रिसीवेबल पे कोई इफेक्ट नहीं है और बाद में आप कैलकुलेशन करके बैंक बैलेंस फाइंड आउट कर लेना, ठीक है। तो पहले बैलेंस शीट का फॉर्मेट बता दूं? यस, लिखिए बैलेंस शीट में आप कंपनी का नाम लिखना, क्या नाम है? अल्फा। बैलेंस शीट ऑफ अल्फा लिमिटेड लिखो, बैलेंस शीट ऑफ अल्फा लिमिटेड एज ऑन 30 अप्रैल लिखो, बोनस शेयर का भी इशू हुआ है 30 अप्रैल को, तो 30 अप्रैल को बोनस के बाद क्या होगा, बीच के किसी भी ट्रांजैक्शन को
नहीं लिखना है, बाकी सारे ट्रांजेक्शन इग्नोर, एक महीने का इंटरेस्ट को भी इग्नोर करेंगे डिबेंचर पे। तो फॉर्मेट रेडी है सामने स्क्रीन पे, लिखो सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स, नोट नंबर, रुपीज 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 इन लाख। फॉर्मेट बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह एज इट इज कॉपी करना है, जो भी एक थोड़ी देर पहले किया था, राइट। थोड़ी स्पीड बढ़ाओ, इजी क्वेश्चन, इस पे एग्जाम में आपको कम समय में पूरा ठीक से करना है, तो बचे हुए समय को दूसरे क्वेश्चन के लिए यूज कर सकते हैं। फॉर्मेट ड्रॉ करो अपने से, सिर्फ तीन नोट बनाना इस बार, 1 2 3, फोर्थ की जरूरत नहीं क्योंकि अलग अलग एसेट्स नहीं दिए फिक्स्ड एसेट के, देख रहा है आपको, फिक्स्ड एसेट इस बार एक ही दिया है, तो डायरेक्टली यहीं पे लिख देंगे। फॉर्मेट तैयार, अब अपने से इसको आज टैली करके दिखाओ पूरे नोट्स के साथ, ठीक है, कर पाएंगे नोट्स के साथ, डिस्क्लोजर के साथ। तो ये क्लास वर्क है, अभी आपको यहीं पे इसको टैली करना है अपने से, बाद में हम सिर्फ टोटल पूछेंगे आपसे बैलेंस शीट का।
Is it over? Finally, are you able to succeed? Let us check the answer. If you have done, please check. How much is the share capital total here finally? Double two? Reserve and surplus? 87? Total in the outer column? 3122. Long term borrowing? 1500. Trade payable? 14? Other current liability? Total in the outer column? 1880. Total of the liabilities side? 6502. Property, plant, equipment? 405. Inventory? 1200. 1200. On trade receivable? 520. Cash and cash equivalent? 7? Total. Total of asset side? Tallied? Right. Check the balance sheet on the screen. Everybody got it? Others will complete it as homework. Now come to the next question. What is the next question number? Question number 14. Arey, ye to homework tha. Oh. Yaad aaya? Chalo, abhi check kar lete hain. Question number 14. जिन्होंने कर लिया होगा अगर पहले से तो चेक करना और जिन्होंने नहीं किया थोड़ा फास्ट करना. फॉलोइंग इज द समराइज्ड बैलेंस शीट ऑफ सुपर लिमिटेड एज ऑन 31st मार्च 2018. शेयर कैपिटल इन रुपीज, सारे फिगर्स रुपीज में ही है. शेयर ऑफ रुपीज 10 इज फुल्ली पेड. रिजर्व एंड सरप्लस में है रेवेन्यू रिजर्व, सिक्योरिटीज प्रीमियम, पीएनएल अकाउंट, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट रिजर्व. ये स्टैट्यूटरी रिजर्व है, ये है स्टैट्यूटरी रिजर्व. इसको आप यूज कहीं पे मत करना. सिक्योर्ड लोन 9% डिबेंचर, अनसिक्योर्ड लोन करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म बोरिंग. तो ये तीनों हो गए मिलकर हमारा डेट, क्योंकि डेट इक्विटी रेशियो टेस्ट अप्लाई करना आपको इस प्रॉब्लम में. तो तीनों का टोटल मिलके हमें देगा डेट. एसेट साइड इज सिंपल, फिक्स्ड एसेट, टेंजिबल, करंट एसेट, टोटल. सुपर लिमिटेड वांट्स टू बाय बैक 35,000 शेयर. वांट्स, इच्छा है, ठीक है. 35,000 शेयर ऑफ रुपीज 10 इच एट 30 रुपीज पर शेयर. तो ये उनकी इच्छा. हमें चेक करना है कि क्या ये कंपनी 35,000 शेयर बायबैक कर सकती है या नहीं, इसलिए उन्होंने आपसे पूछा है. द बायबैक इज फुल्ली ऑथराइज्ड बाय इट्स आर्टिकल एंड नेसेसरी रेजोल्यूशंस हैव बीन पास्ड. पेमेंट फॉर बायबैक शैल बी मेड बाय द कंपनी आउट ऑफ सफिशिएंट बैंक बैलेंस फॉर्मिंग पार्ट ऑफ करंट एसेट. लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है. आप डायरेक्टली 35,000 शेयर लेके सॉल्व मत करना. इन्होंने आपसे पूछा है कमेंट विथ कैलकुलेशन, कमेंट whether the buyback of share by the company is within the provisions of the Companies Act 2013. तो इस लाइन का मतलब है can the company buy back 35,000 shares? No journal entry, no balance sheet. आपको देखना है कि क्या कंपनी 35,000 शेयर बायबैक कर सकती है या नहीं. Is it right? तो उसके लिए हमें तीन टेस्ट अप्लाई करने होंगे और जो लोवेस्ट ऑफ द थ्री आएगा उतना हम बायबैक कर सकते हैं. अगर 35,000 शेयर उस नंबर से जो हमारा फाइनल आंसर होगा उससे कम है, उससे, तो हम बायबैक कर सकते हैं 35,000. हम निकालेंगे मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर टू बी बॉट बैक, जो हमने स्टार्टिंग के क्वेश्चन में ही किया था. और आपका अगर 35,000 उससे कम है तो आप जा सकते हैं, बायबैक कर सकते हैं.
लेकिन 35,000 अगर हमारे द्वारा कैलकुलेट किए गए आंसर से ज्यादा है तो 35,000 शेयर हम बायबैक नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले हम लिखेंगे स्टेप वन, शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट, यानी आपको टेस्ट करना है कि 35,000 तक बायबैक अलाउड है या नहीं इस क्वेश्चन में। तो डायरेक्टली ये पूछने की जगह व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर कैन बी बॉट बैक, उन्होंने आपको एक टारगेट दिया है और देखना है कि हम उतने बायबैक कर सकते हैं या नहीं। तो पहले लिखना है स्टेप वन, शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट, शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट। शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट में हम क्या करते हैं, 25% ऑफ द नंबर ऑफ शेयर आउटस्टैंडिंग। सो राइट हैंड साइड अमाउंट, पॉइंट नंबर ए, जिन्होंने कर लिया चेक करना नंबर ऑफ शेयर आउटस्टैंडिंग कितना है बैलेंस शीट में, नंबर ऑफ शेयर लिख रहे हैं ना या चेक कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं, जो चेक कर रहे हो चेक करते रहो और जो लिख रहे हैं जल्दी जल्दी साथ साथ लिखते रहना है। तो लिख लिया यहाँ पे, और इसका 25% कितना होता है 42,500, 25% ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग 42,500 किया, टिक कर दो, अपने आप को सही मार्क्स दे दो। दूसरा क्या अप्लाई करेंगे, रिसोर्स टेस्ट। रिसोर्स टेस्ट में पहले हम लिखेंगे राइट हैंड साइड रुपीज इन लाख या रुपीज इन करोड़, क्या है रुपीज है, रुपीज, जस्ट राइट रुपीज। पॉइंट नंबर ए पेड अप कैपिटल, पेड अप कैपिटल कितना है 17 लाख, 17 लाख। एंड पॉइंट बी क्या लिखना है, फ्री रिजर्व। फ्री रिजर्व में आप पहले तीन आइटम ऐड करो, ये रेवेन्यू रिजर्व प्लस प्रीमियम 2.5 लाख प्लस P&L अकाउंट 2 लाख, तो ये आता है आपका 28 लाख, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट रिजर्व नहीं लिखेंगे, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो मुझे मिलेगा शेयर होल्डर्स फंड, इज इट 45 लाख। 45 लाख का कितना परसेंटेज फंड्स आप यूज कर सकते हैं, 25%। सो लिखना 25% ऑफ शेयर होल्डर फंड, 25% ऑफ शेयर होल्डर फंड कितना हुआ 11,25,000। और बायबैक प्राइस तो उन्होंने दी हुई है आपको कितना, 330। बायबैक प्राइस पर शेयर लिखो 30 रुपीज, बायबैक प्राइस पर शेयर रुपीज 30। देयरफोर व्हाट इज द नंबर ऑफ शेयर्स दैट कैन बी बॉट बैक, 37। अच्छा 37,500, अभी भी आप रेंज में हैं, ठीक है। लेकिन एक टेस्ट और परफॉर्म करना है, स्टेप नंबर 3, डेट इक्विटी रेशियो टेस्ट। तो बायबैक का सोर्स क्या है, फ्री रिजर्व ही है। फ्री रिजर्व है मतलब बायबैक के बाद हमारे शेयर होल्डर फंड में से दो अमाउंट कम हो जाएगा, एक तो CRR में जो अमाउंट ट्रांसफर होगा, बिकॉज CRR में ट्रांसफर करने के बाद हमारा रिजर्व फ्री रिजर्व नहीं रह जाएगा। तो नंबर ऑफ शेयर हम अज्यूम करेंगे X और फेस वैल्यू है 10 रुपए, तो आपका CRR में ट्रांसफर हो जाएगा 10X, उतने से फ्री रिजर्व कम हो गया बायबैक के बाद। और आप बायबैक करेंगे 30 रुपए के रेट से, तो 30 × X उतने से आपका शेयर कैपिटल और सिक्योरिटीज प्रीमियम कम हो जाएगा, तो बायबैक के बाद 30X से ये भी कम हो जाएगा इक्विटी। तब आपका इक्वेशन बनेगा इस तरह से, ये देखिए आपकी बैलेंस शीट में तीन लायबिलिटी दी गई है, दिख रहा है लास्ट के तीन लायबिलिटी, सिक्योर्ड लोन 22,50,000, अनसिक्योर्ड लोन 8,50,000, करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म बोरिंग 15,50,000। ये हो गया हमारा डेट। और बायबैक के बाद इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व कितना बचेगा, अभी टोटल इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व है 45 लाख, उसमें से 10X चला गया CRR में, तो फ्री रिजर्व कम हो गया और 30X घट जाएगा बिकॉज ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल एंड सिक्योरिटीज प्रीमियम, तो ये बचेगा -30X। किसी ने इस इक्वेशन को सॉल्व करने की कोशिश की है, हाँ कितना आया है जी, इज इट 54,375,
54,375 तक आप बायबैक कर सकते हैं अंडर डेट इक्विटी रेशियो टेस्ट। ये हो गया हमारा स्टेप नंबर 3। अब स्टेप नंबर 4 में हम इन तीनों को एक साथ लेकर आएंगे और लिस्ट ऑफ द थ्री लेंगे। तो जिन्होंने किया चेक करते रहना। स्टेप नंबर 4 लिखना है, एक्चुअली यहाँ पे 3 दिख रहा है, आपको लिखना है 4। स्टेप नंबर 4 होगा मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स टू बी बॉट बैक। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया है, आएगा, आता रहेगा। मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स टू बी बॉट बैक, नंबर ऑफ शेयर ऑन द राइट हैंड साइड, पहले लिखना पॉइंट ए शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट। शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट में आंसर कितना आया था, 42,500। रिसोर्स टेस्ट 37,500। डेट इक्विटी रेशियो टेस्ट 54,375। लोवेस्ट कौन सा है, 37,500। सो आपको लिखना है मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर दैट कैन बी बॉट बैक लिस्ट ऑफ द अबव 37,500। और कंपनी कितना बायबैक करना चाहती है तो नीचे एक नोट लिखना, नोट, जिन्होंने नहीं लिखा है नोट। कंपनी वांट्स टू बाय बैक ओनली 35,000 इक्विटी शेयर। कंपनी वांट्स टू बाय बैक ओनली 35,000। कंपनी की मांग है 35,000। कंपनीज एक्ट बोल रहा है कि हम तुम्हें 37,500 अलाउ कर रहे हैं, तो क्या हम 35,000 बायबैक कर सकते हैं? अवश्य कर सकते हैं, क्योंकि आपका जो डिमांड है वो कंपनीज एक्ट के अलाउड अमाउंट से कम ही है। कंपनी वांट्स टू बायबैक 35,000 इक्विटी शेयर एट रुपीज 30, देयरफॉर बायबैक ऑफ 35,000 शेयर, as desired by the company is within the provisions of Companies Act 2013, is within the provisions of Companies Act 2013, is it right, is within the provisions of Companies Act 2013. इस क्वेश्चन में आपको एंट्रीज नहीं करनी है। कई बार आपको एक टारगेट दिया जाएगा और पूछेंगे कि क्या ये टारगेट सही है। ऐसे क्वेश्चन ऑलरेडी हमने पहले 2 बार किया था, एक और प्रैक्टिस हो गई। आइए क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाओ। ये भी क्वेश्चन 4 या 5 मार्क, इसको होमवर्क लिख लेना। ये जो अभी थोड़ी देर पहले उमेश लिमिटेड जैसा प्रॉब्लम आया था ना, वैसा ही है। एक होमवर्क के लिए आज कर लो, 15 नंबर लिख लिया, क्वेश्चन नंबर 15 होमवर्क सबने लिख लिया, गुड। आइए 16 नंबर पे, ऑन 31 March 2001 फॉलोइंग वॉज द बैलेंस शीट ऑफ न्यू ईरा लिमिटेड, फिगर्स इन रुपीज लैक्स, लाइबिलिटी साइड, शेयर कैपिटल, सिक्योरिटीज प्रीमियम, जनरल रिजर्व, P&L अकाउंट, 12% डिबेंचर, क्रेडिटर प्रोविजन, मशीनरी, फर्नीचर, इन्वेस्टमेंट, स्टॉक, डेटर, बैंक। ये वो जो अल्फा लिमिटेड वाले 2 क्वेश्चन आज किए ना, ये उसका एक और भाई है, ठीक है। एक आध एडजस्टमेंट और चेंज करेंगे उसमें। ऑन 1 April 2001 द कंपनी अनाउंस द बायबैक ऑफ 25% ऑफ इट्स इक्विटी शेयर्स। बैलेंस शीट में देखना कितने शेयर है यहाँ पे, 240 लाख है, 40 उसका 25% 60 लाख, इस बार भी 60 लाख, इस बार भी 15 रुपए। फॉर दिस पर्पज इट सोल्ड ऑल इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹150 लाख, ये भी सेम है। लेकिन इस बार एक क्वेश्चन और ऐड हुआ है,
सेम रहता तो ये भी मैं होमवर्क दे देता। एंड इश्यू 2,14% प्रेफरेंस शेयर ऑफ ₹100 ईच एट पार। तो इस बार पूरा बायबैक फ्री रिजर्व से नहीं होगा, थोड़ा फ्रेश इश्यू अब शेयर से होगा। द एंटायर अमाउंट इज पेबल ऑन एप्लीकेशन। तो 2,00,000 × 100 तो 200 लाख, 200 लैक्स तो प्रेफरेंस शेयर से आ गया, बाकी CRR में ट्रांसफर करेंगे बाकी हम। तो क्या आप बता सकते इस बार CRR में कितना ट्रांसफर होगा? इस बार CRR में कितना ट्रांसफर होगा? पिछली बार तो आपने 600 किए थे, इस बार 600 मत करना रट्टेबाजो। हाँ हाँ, 400 करेक्ट, 400 इज द राइट आंसर। जिनको समझना स्क्रीन पे देखो कि हमें CRR में इस बार पूरा 600 ट्रांसफर नहीं करना है। इंस्टीट्यूट एक जैसे क्वेश्चन बार बार पूछेगी, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट एक्स्ट्रा होगा, ठीक है। तो हमें टोटल जो इक्विटी शेयर बायबैक करनी है उसकी फेस वैल्यू है 600 लाख, 600 लाख, और जो हम प्रेफरेंस शेयर इशू कर रहे हैं उसकी फेस वैल्यू है 200 लाख। तो जब 200 लाख प्रेफरेंस शेयर से आप बायबैक कर ही रहे हो, तो अब आपको सिर्फ CRR में 400 ट्रांसफर करना है, इज इट राइट? तो पहले ये वाला डायग्राम बना लो, आगे फिर हम डिस्कस करेंगे। स्टेप वन, नोटबुक निकालो, समझने के लिए डायग्राम इंपॉर्टेंट है। अमाउंट टू बी ट्रांसफर्ड टू CRR, अमाउंट टू बी ट्रांसफर्ड टू CRR। अब इस डायग्राम को हर एक क्वेश्चन में बना सकते हैं, जहां पर थोड़ा प्रेफरेंस शेयर या कोई और सिक्योरिटी इशू आओ और बैलेंस CRR में ट्रांसफर करना हो। तो सेंटर में लिखना फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स बॉट बैक ₹600 लाख। लेफ्ट साइड, लेफ्ट ब्रांच, फेस वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर इशूड, फेस वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर इशूड, फेस वैल्यू प्रेफरेंस शेयर इशूड अगर हम लैक्स में बात करें तो 200 लैक्स, रुपीज 200 लैक्स, 2 × 100 बचा कितना 400। अमाउंट टू बी ट्रांसफर टू CRR, अमाउंट टू बी ट्रांसफर टू CRR 600 माइनस 200, देन यू विल कंप्लाई द रिक्वायरमेंट ऑफ बायबैक। बोलो जी सही है? तो एक बार मैं वापस क्वेश्चन पे जाता हूं। यहां पे लिखा हुआ है इशू वॉज फुल्ली सब्सक्राइब्ड, कंपनी अचीव द टारगेट ऑफ द बायबैक, लेटर द कंपनी इशूड 1 फुल्ली पेड अप इक्विटी शेयर ऑफ ₹10। अभी जो आपने बोनस वाला प्रॉब्लम किया था, बाय वे ऑफ बोनस फॉर एवरी 4 इक्विटी शेयर हेल्ड, तो बोनस शेयर वही आएगा 450, है कि नहीं? तो जो अभी थोड़ी देर पहले 450 आया था ना, वही है, क्वेश्चन वही है, थोड़े थोड़े चेंजेस हैं। तो 2400 में से 600 गए, 1800 बचे, 1800 का 1/4 करो तो 450 आपको बोनस शेयर इशू करना होगा। पहले हम CRR से जितना हो सकता है इशू करेंगे। इस बार हमारी बैलेंस शीट में ऑलरेडी CRR नहीं है, लेकिन आप CRR में 400 ट्रांसफर कर रहे हैं, लेकिन चाहिए 450, तो बाकी 50 क्या करेंगे? हम देखेंगे कि सिक्योरिटीज प्रीमियम में बैलेंस है कि नहीं, उसमें नहीं होगा तो फिर कोई फ्री रिजर्व यूज कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन आगे पढ़ो, पास जर्नल एंट्रीज फॉर ऑल ट्रांजेक्शन इंक्लूडिंग कैश ट्रांजेक्शंस। क्या बैलेंस शीट पूछा है इस बार? एक वॉलंटरी होमवर्क लिखो यहाँ पे, बैलेंस शीट ऑल्सो प्रिपेयर, बैलेंस शीट ऑल्सो प्रिपेयर, बैलेंस शीट होमवर्क। दो पेज छोड़कर रखना बैलेंस शीट के लिए, सारे नोट्स वगैरह बनाने पड़ते हैं, ठीक है। एक पेज पे फॉर्मेट, एक पेज पे नोट्स। कोशिश करना बनाने की 16 मार्क्स तक का एक क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें बायबैक के बहुत सारे एडजस्टमेंट है, प्रेफरेंस शेयर है, बोनस शेयर है। तो पहले हमने ये स्टेप वन लिख लिया, अब क्या करेंगे? एक और स्टेप टू लिखना, नंबर ऑफ बोनस शेयर टू बी इशूड, नंबर ऑफ बोनस शेयर टू बी इशूड।
नंबर ऑफ बोनस शेयर टू बी इशूड लिखा, सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स, राइट हैंड साइड नंबर्स इन लैक्स, पूरा मैं डिटेल में लिखता हूं, बाद में कोई कंफ्यूजन नहीं। फर्स्ट लिखना टोटल नंबर ऑफ शेयर्स, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स इनटू ब्रैकेट बिफोर बायबैक, और ये वर्किंग नोट ना पहले वाले भी क्वेश्चन में, बाद में घर जाके होमवर्क कर लेना। 240 लाख है, लेस नंबर ऑफ शेयर्स बॉट बैक, नंबर ऑफ शेयर्स बॉट बैक 60, डी नंबर ऑफ शेयर्स आफ्टर बायबैक, नंबर ऑफ शेयर्स आफ्टर बायबैक 180, पॉइंट नंबर डी बोनस शेयर रेशियो 1:4, पॉइंट नंबर ई नंबर ऑफ बोनस शेयर्स टू बी इशूड, नंबर ऑफ बोनस शेयर टू बी इशूड 1/4 इंटू 180, हाँ जी 45 लाख। अभी यहां तक सब लाख में चल रहा था, एंड पॉइंट नंबर एफ लिखना टोटल फेस वैल्यू, टोटल फेस वैल्यू ऑफ 45 लाख, टोटल फेस वैल्यू 45 लाख बोनस शेयर्स, 45 इंटू इक्विटी शेयर की फेस वैल्यू कितनी है 10, तो ये आपका यहां पर आंसर आएगा रुपीस 450 लाख। इतना अमाउंट हमें बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर में ट्रांसफर करना होगा। एनी क्वेरी ऑन वर्किंग नोट 1 एंड 2, स्टेप 1 एंड 2? बस इस क्वेश्चन में जर्नल एंट्री में आपको लिखवाऊंगा, और आप क्या करेंगे, हाँ 2 पेज ब्लैंक रखना, बैलेंस शीट अपने से बनाना, पहले की भी 2 बैलेंस शीट बाकी है, एक साथ चेक करेंगे, बना लिया है, आज एक और बना लो। आइए लिखिए बुक्स ऑफ न्यू ईरा लिमिटेड, जर्नल एंट्रीज, डेट, पर्टिकुलर्स, डेबिट, क्रेडिट, पूरा 2 पेजेस लगभग ड्रॉ कर लो, या 1.5 पेज तो एटलीस्ट ड्रॉ कर लो। डेट, पर्टिकुलर्स, डेबिट, क्रेडिट, रुपीज इन लैक लिख लिए, स्पीड बढ़ाओ थोड़ी। तो पहले हम क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट सेल करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट 150, बैंक अकाउंट डेबिट 150, टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट 148, टू पीएनएल अकाउंट 2, नरेशन होमवर्क, 2 लाइंस ब्लैंक, देन वी आर गोइंग टू इश्यू प्रेफरेंस शेयर दिस टाइम, बैंक अकाउंट डेबिट 200, 2 लाख इंटू 100, 2 लाख इंटू रुपीज 100, टू प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट 200, टू प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट 200, 2 लाइंस ब्लैंक फॉर राइटिंग नरेशन। थर्ड एंट्री, प्रेफरेंस शेयर की रेट क्या है, 14%, 14% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, 14% सॉरी 14% प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, 14% प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 200,
14% preference share application and allotment account debit 200. 2. 14% preference share capital account. To 14% preference share capital account. How much? 200. Narration homework. Now we are going to transfer to CRR. For that we have required 400. So let us check whether we have 400 balance in general reserve or not. Balance sheet general reserve is 930. So I can use 400 from here. Write down general reserve account debit 400. इसकी वर्किंग हो चुकी है. 400 कैसे आया? ब्रैकेट में लिखना है स्टेप टू. स्टेप टू लिखा था ना हमने डायग्राम में, या वन लिखा था? हाँ वन, सॉरी वन. टू तो बोनस शेयर के लिए था. स्टेप वन टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व. टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व. हाउ मच? 400. ब्रैकेट में लिखना है स्टेप वन कैलकुलेशन के लिए. टू लाइन्स ब्लैंक. राइट नरेशन योर सेल्फ होमवर्क. देन विल मेक टोटल अमाउंट ड्यू टू इक्विटी शेयर होल्डर. इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट. इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 60 लाख शेयर इंटू 10 600. इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 60 लाख शेयर इंटू 10 600. सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट 60 लाख शेयर इंटू 5 300. 60 लाख शेयर इंटू 5 300. टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट. टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट 900. टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट 900. वन मोर एंट्री. इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट. इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट. हाउ मच? 900. इतना आपने एक पहले वाले भी क्वेश्चन में किया था. अब एक बोनस शेयर की एंट्री करते हैं. बोनस शेयर के लिए आपने एक वर्किंग नोट टू बनाया. 450 लाख रुपए लगेंगे मुझे बोनस शेयर के लिए, 450 लाख. लेकिन सीआरआर में आपने सिर्फ अभी क्रेडिट किया है 400, तो 50 और चाहिए. तो क्या सिक्योरिटीज प्रीमियम में 50 बचा है? बचा है. कहाँ बचा है? 350 बैलेंस शीट में है, 300 डेबिट हुआ है, 50 अभी भी बचा है. तो हम 50 सिक्योरिटीज प्रीमियम को डेबिट कर सकते हैं. लिखेंगे कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट डेबिट. पहले सीआरआर को यूज करना जितना हो सके, 400, ठीक है? क्योंकि उसका और कोई पर्पज नहीं है. उसका पर्पज ही है बोनस शेयर इशू करने के लिए यूज करना. सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट 50 माइनस 400. 50 कहां से है? 450 हमें देना है बोनस शेयर. 400 हमने सीआरआर यूज किया है. टू बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट. टू बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट 450. नरेशन होमवर्क. पिछली क्वेश्चन में नरेशन लिखा था हमने. एक लास्ट एंट्री बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट 450. टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 450. लिख लिया बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 450. तो इस चैप्टर में बोनस शेयर भी है, इस क्वेश्चन में प्रेफरेंस शेयर भी है, बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर भी है. जब आप बैलेंस शीट बनाएंगे होमवर्क में तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी आएगा आपका शेयर कैपिटल में, क्योंकि आपने प्रेफरेंस शेयर इशू किया है ना. तो उतने से आपकी बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल में प्रेफरेंस शेयर भी दिखाना है आपको. दो पेज ब्लैंक रखो, एक अच्छे बच्चे की जगह तरह होमवर्क कर लेना आज, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 17. क्वेश्चन नंबर
The following is the balance sheet of ABC Limited. On 31-3-2008, share capital, general reserve, P&L account, securities premium, secured loan, unsecured loan, current liabilities, fixed asset, investment, current asset. ठीक है, तो जो भी बैंक की एंट्री करेंगे करंट एसेट्स उसको कम ज्यादा करना. ठीक है, कंपनी इंटेंड्स टू बाय बैक, कंपनी 20,000 शेयर ऑफ रुपीज 10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 150%. एट अ प्रीमियम ऑफ 150% मतलब बायबैक प्राइस कितना है, बायबैक प्राइस पर शेयर कितना है, 15 रुपए, 25 रुपए, 25 रुपए, ये 165 रुपए. हाँ जी, यू 25, 10 रुपया, और उस पर 1+150% करो, कैलकुलेटर पे 25 आया. कुछ लोग बेचारे इसमें ही शहीद हो जाते हैं. स्टेट वेदर द कंपनी कैन डू सो, स्टेट वेदर द कंपनी कैन डू सो, क्या कंपनी 20,000 इक्विटी शेयर बायबैक कर सकती है, यानी हमें वापस टेस्ट 1, टेस्ट 2, टेस्ट 3, लोअर ऑफ द 3, और वो फिगर अगर मान लो 20,000 या उससे ज्यादा है तो हम 20,000 शेयर बायबैक कर सकते हैं. अगर ये 20,000 उससे भी ज्यादा है जो हम अलाउ करेंगे कंपनी एक्ट में, तो फिर उतना बायबैक नहीं होगा. इफ यस देन पास जर्नल एंट्रीज, ऑल्सो प्रिपेयर पोस्ट बायबैक बैलेंस शीट. तो इसमें आप कुछ सब काम करवा रहे हैं, वो पहले आपसे चेक करवा रहे हैं कि मैक्सिमम कितना शेयर बायबैक कर सकते हैं, फिर जर्नल एंट्रीज, फिर बैलेंस शीट. क्या 8 मार्क में क्या बच्चे की पूरी जान ही ले लेंगे क्या, लिखना. पहले हम टेस्ट करेंगे कि क्या कंपनी 20,000 शेयर बायबैक कर सकती है या नहीं. 14 नंबर क्वेश्चन में जो आपने किया था ना, ये उसका अब एक्सटेंडेड वर्जन है. इसमें जर्नल एंट्री भी आ गई और बैलेंस शीट भी आ गया. तो जितने स्टेप्स बढ़ते जाएंगे एग्जाम में मार्क्स उतने बढ़ते जाएंगे. सो पहले लिखना स्टेप 1, शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट. लिखा शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट, राइट हैंड साइड अमाउंट, पॉइंट नंबर ए, नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग. गो टू बैलेंस शीट, चेक हाउ मेनी शेयर्स आर आउटस्टैंडिंग देयर. 1 लाख है, नंबर ऑफ शेयर 1 लाख है, और पॉइंट बी क्या लिखना है, 25% ऑफ द शेयर्स आउटस्टैंडिंग. 25% ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग, बोलो जी, 25,000. सभी बच्चे लिख रहे हैं, लिख रहे हैं. हेलो, तुम लिख रहे क्यों नहीं हो, लिखो. क्यों तुम मुझसे नाराज हो कि तुम लिख नहीं रहे हो, बाकी सब लिख कर बैठ चुके हैं स्टेप 2 की तैयारी में. स्टेप 2 लिखना रिसोर्स टेस्ट, रिसोर्स टेस्ट, राइट हैंड साइड रुपीज इन, रुपीज ही रहने दो, रुपीज इन रुपीज. पॉइंट नंबर ए, पेड अप कैपिटल, पेड अप कैपिटल कितना है, 10 लाख. क्वेश्चन बुक सामने रखना, लाइबिलिटी साइड देखते रहना पहले 4 लाइन. उसके बाद पॉइंट बी लिखेंगे एड फ्री रिजर्व. फ्री रिजर्व में हम किसको इसको लेंगे, तीनों को ही ले लेंगे. जनरल रिजर्व 12 लाख, P&L अकाउंट 1 लाख, सिक्योरिटीज प्रीमियम 2 लाख, बराबर है. फॉर द पर्पज ऑफ सेक्शन 68 बायबैक, सिक्योरिटीज प्रीमियम इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज फ्री रिजर्व. सो ये टोटल जरा बताना कितना रहा, 12, 1, 2, 15, हाँ टोटल 25 लाख. अच्छा अच्छा, टोटल 25 लाख, ठीक है. शेयरहोल्डर फंड टोटल आया 25 लाख, A+B. शेयरहोल्डर फंड है. अब इसका क्या करना है आपको, 25% लेना, 25% ऑफ शेयरहोल्डर्स फंड. लिखते रहना है, कुछ लोग बैठे हुए हैं बस,
25% कितना आता है? 625,000. कैलकुलेटर उठाओ. बायबैक प्राइस दिया हुआ है क्वेश्चन में, इनडायरेक्टली दिया हुआ है, 10 रुपया के ऊपर 150% प्रीमियम, यानी 25 रुपया. तो लिखो बायबैक प्राइस पर शेयर 10 + 150%, पूरा लिखना है. बाद में इस पर क्वेरी मत पूछना मुझे, ₹25 कैसे आया, अभी मैं आपको लिख के दे रहा हूं, ठीक है? तो अगर 625,000 रुपए आपको बायबैक के लिए यूज करना है और 25 रुपए पे बायबैक करना है, तो हम कितने शेयर बायबैक कर सकते हैं? 25,000. इस बार भी 25,000 आया, आई थिंक टेस्ट वन में भी 25,000 था, लेकिन एक टेस्ट बाकी है मेरे दोस्त. ओके, तो टेस्ट नंबर 3 लिखना नीचे, स्टेप 3, डेट इक्विटी रेशियो टेस्ट. डेट इक्विटी रेशियो टेस्ट. डेट इंक्लूड शॉर्ट टर्म डेट आल्सो, आपको मैंने नोट्स में लिखा है, तो इसलिए बैलेंस शीट में जितने भी डेट्स है सबको लेना आपको. लास्ट के तीन आइटम तो वो हो गए डेट. और इक्विटी का क्या होगा? अभी इक्विटी 25 लाख है, इसमें से 10x चला जाएगा CRR में, 10x चला जाएगा, क्योंकि आपका बायबैक का सोर्स फ्री रिजर्व है. तो इन फ्री रिजर्व में से कोई एक अमाउंट आप मान लो शेयर में ट्रांसफर करते, उतना से फ्री रिजर्व पोस्ट बायबैक कम हो जाएगा, और जब आप शेयर बायबैक करेंगे तो उतने से आपका शेयर कैपिटल, सिक्योरिटीज प्रीमियम और कोई और रिजर्व कम हो जाएगा. तो वापस वही क्वेश्चन लिखना है, स्टेप नंबर 3, डेट इक्विटी रेशियो टेस्ट. स्टेप नंबर 3, डेट इक्विटी रेशियो टेस्ट. लेट द नंबर ऑफ शेयर्स टू बी बॉट बैक बी एक्स. लेट द नंबर ऑफ शेयर्स टू बी बॉट बैक बी एक्स. अगर हम एक्स नंबर ऑफ शेयर बाय करेंगे और अगर सोर्स ऑफ बायबैक फ्री रिजर्व है पूरा, तो अमाउंट टू बी ट्रांसफर टू CRR विल बी इक्वल टू 10x, क्योंकि 10 जो है फेस वैल्यू है. अब आपके एग्जाम में 100 रुपए फेस वैल्यू जाएगा तो 10x मत लिखना, 100x लिखना, ठीक है रट्टेबाजो. फंड्स यूज्ड फॉर बायबैक, किसी को लगता होगा कि 10x हर बार लिखना ही पड़ता है, 10 रुपीज फेस वैल्यू है. अरे आप लोग हंस रहे हैं, रोज मेरे पास ऐसी क्वेरी आती है, मैं आपको दिखाऊंगा एक दिन सारी क्वेरी एक साथ, ठीक है? आप भी थोड़ा आनंद लेना. फंड्स यूज फॉर बायबैक 25x, उतने से मेरा शेयर कैपिटल सिक्योरिटीज प्रीमियम घटता है ना, जब आप एंट्री लिखते इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट, मतलब वो घट रहा है बायबैक के बाद, तो 25x से घट जाएगा. 25 रुपए हम पे करेंगे और जितने शेयर बायबैक करेंगे उतने से वो घटेगा, तो बायबैक के बाद मेरा इक्विटी इतने से घट जाता है, 10x और 25x है. तो अब आप एक इक्वेशन लिखना, डेट अपॉन इक्विटी. डेट मतलब लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म डेट. डेट मींस लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म डेट. करंट लाइबिलिटीज भी लेंगे, इंस्टीट्यूट के भी आंसर में उन्होंने करंट लाइबिलिटीज ली है. तो आपका नीचे बैलेंस शीट के लास्ट 3 आइटम को देखो, 15 लाख है सिक्योर्ड लोन, दिख रहा है, 8 लाख है अनसिक्योर्ड लोन, 15 लाख है करंट लाइबिलिटीज, डिवाइड बाय 25 लाख जो आपका शेयरहोल्डर फंड है, 10x चला गया CRR में, 25x से आपका इक्विटी कैपिटल और सिक्योरिटीज प्रीमियम और जनरल रिजर्व कम हो जाएगा, और आना चाहिए 2. सॉल्व करना, सॉल्व करना, कितना आया? 15,000 आ रहा है, ये आया आपका 38 लाख, ये 2 × 25 लाख 50 लाख, और ये 35x का 270x. अब इसको जरा और सुधार के सॉल्व करना, कितना आया? 17142. हाँ, पॉइंट अपने पास रखो, घर जाके दही में डाल के खाना, ठीक है ना? नालायक, यहाँ दुनिया चांद पे जाकर लौट आई, तुम अभी भी पॉइंट में ही लगे हुए हो,
कोई पॉइंट में बायबैक करता है क्या? पॉइंट में आया था क्या? पॉइंट में आया था? कोई बात नहीं, पॉइंट में बायबैक नहीं कर सकते हमारे इंडिया में। शेयर को एक होल नंबर में आपको इशू करना है और होल नंबर में ही बायबैक करना है। कुछ कंट्रीज में फ्रैक्शन में शेयर इशू होते हैं, ठीक है, लेकिन हमारे यहाँ फिलहाल नहीं। हमारे यहाँ यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड जो होते हैं ना, आपने देखा होगा फ्रैक्शन में इशू होते हैं, वो वहां पे अलाउड है। यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड फ्रैक्शन में इशू होते हैं। तो क्या कंपनी बायबैक कर सकती है नहीं, जरा देखते हैं। स्टेप नंबर 4 लिखना, मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स टू बी बॉट बैक लिखो, मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स टू बी बॉट बैक, मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स टू बी बॉट बैक। राइट हैंड साइड लिखना नंबर ऑफ शेयर्स। पॉइंट नंबर ए, शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट। शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट में हमारा आंसर कितना था? 25,000 शेयर था, 25,000। रिसोर्स टेस्ट, जरा रिसोर्स टेस्ट पे जाना है, स्टेप 2, 25,000। डेट इक्विटी रेशियो टेस्ट पे जाना, अभी अभी आपने निकाला 17,142। ओके, तो तीनों में से जो लोएस्ट होगा उतना ही आपको कंपनीज एक्ट 2013 अलाउ करेगा। तो लिखना है आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स दैट कैन बी बॉट बैक, लिस्ट ऑफ द अबव, मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स दैट कैन बी बॉट बैक इन ब्रैकेट लिस्ट ऑफ द अबव 17,142। अब लिखेंगे दो नोट नीचे। आपके क्वेश्चन में क्या लिखा था, कंपनी इंटेंड्स टू बाय बैक 20,000 इक्विटी शेयर, लेकिन कंपनीज एक्ट बोलता है कि हम 20,000 अलाउ नहीं करेंगे आपको, इस साल आप 17,142 ही बाय कर सकते हैं। तो नीचे नोट लिखना, देयरफॉर बायबैक ऑफ 20,000 शेयर, देयरफॉर बायबैक ऑफ 20,000 शेयर्स एज डिजायर्ड बाय द कंपनी, एज डिजायर्ड बाय द कंपनी, अंडरलाइन इसके आगे, इज नॉट विद इन, नॉट बट डबल अंडरलाइन। पिछले बार हमने यही सेंटेंस कॉपी किया था, उस समय था विथ इन, अब है नॉट विथ इन द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट, इज नॉट विथ इन द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। कंपनी कैन बाय बैक 17,142 शेयर्स ओनली, कंपनी कैन बाय बैक 17,142 शेयर्स ओनली। सेकेंड नोट, नोट नंबर 2, डेट इंक्लूड्स, डेट इंक्लूड्स शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज, डेट इंक्लूड शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज इन ब्रैकेट करंट लाइबिलिटीज ऑल्सो, डेट इंक्लूड शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज ऑल्सो। तो अब हम क्या करें, जर्नल एंट्री पास करें या नहीं करें? उन्होंने लिखा है कि इफ यस देन पास एंट्री, कर देते हैं, ठीक है। लिखना जर्नल एंट्रीज, इन द बुक्स ऑफ एबीसी लिमिटेड जर्नल एंट्रीज बेस्ड ऑन 17,142 शेयर्स, बेस्ड ऑन 17,142 शेयर्स। डेट पर्टिकुलर्स डेबिट क्रेडिट, क्या इस बार कोई इन्वेस्टमेंट बिका है? नहीं। कोई प्रेफरेंस शेयर इश्यू हुआ है? नहीं। तो डायरेक्टली सीआरआर में पहले ट्रांसफर करेंगे, इज इट राइट? कौन सा रिजर्व यूज किया जाए? हमारे पास तीन है, जनरल रिजर्व है, पीएनएल अकाउंट है और सिक्योरिटीज प्रीमियम है। जनरल रिजर्व
तो लिखना फर्स्ट एंट्री जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, सेवेंटीन वन फोर्टी टू इंटू टेन। हाँ जी 171420, क्या उतना बैलेंस है क्या वहाँ पे? बहुत है, 12 लाख है, माला माल है, ठीक है। टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व 171420 टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व लिख दिया। टू लाइन्स ब्लैंक फॉर राइटिंग द नरेशन। एक और एंट्री करेंगे अब पेमेंट की, टू ड्यू की, पहले टोटल अमाउंट ड्यू की, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 171420 तो आपका शेयर कैपिटल घट गया 171420 से। अब इस पे प्रीमियम कितना, जरा पहले मुझे रफ में देखने दो, 171420 है ना प्रीमियम? हाँ, एक पहले कैलकुलेटर पे बताओ कितना आ रहा है, 257। कितना प्रीमियम चाहिए आपको? तो पहले सिक्योरिटीज प्रीमियम के पास जाएंगे, उसको उससे मांगेंगे, क्या उसके पास इतना है? नहीं है। तो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट कितना है? 2 लाख। जितना है फिर उतना ले लेंगे, और बाकी कहाँ से फिर लेंगे? जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व 57130। अब ये फिगर कैसे आया बाद में मुझसे मत पूछना, अभी लिख के लो। 171420 -2 लाख तो ये फिगर आ गया। टू इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट, टू इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट 171420 × 25 बोलिए जी 4,28,550। और एक एंट्री लिखना, इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, अपने से लिखो थर्ड एंट्री, इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 428,550। ओके, तो एंट्री भी हो गई। अब बनाना है आपको बैलेंस शीट, बैलेंस शीट का फॉर्मेट ड्रॉ करेंगे। बैलेंस शीट भी पूछा है ना? हाँ, बैलेंस शीट का फॉर्मेट ड्रॉ करो, अपने से करो, या होमवर्क में करके आएंगे, कर पाएंगे? ठीक है, बैलेंस शीट होमवर्क में कर लेना। 2 पेज ब्लैंक रखो, बस ये जो 3 एंट्री लिखी है ना, इसकी वजह से आपका इक्विटी शेयर कैपिटल जितने से हमने घटाया घटा दो, जनरल रिजर्व घटा दो, सिक्योरिटीज प्रीमियम घटा दो, CRR बढ़ा दो, और बैंक उतने से कम हो जाएगा। बैंक मतलब कौन सा अकाउंट घटाएंगे? करंट एसेट, करंट एसेट वाला अकाउंट कम कर देंगे, ठीक है ना। चलिए एक और क्वेश्चन है, 18 नंबर। तो कितने बैलेंस शीट आपको होमवर्क करना है? काफी सारे हो गए आज, थोड़ा तो मेहनत करनी होगी ना। क्वेश्चन नंबर 18, समय निकाल के बैलेंस शीट बना लेना, ठीक है। फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ ए बी सी। ऑन 31st March 2008 शेयर कैपिटल 8 लाख, शेयर ऑफ ₹10 ईच, रिजर्व जनरल रिजर्व, P&L अकाउंट, सिक्योरिटीज प्रीमियम, डिबेंचर, अनसिक्योर्ड लोन, करंट लाइबिलिटीज, क्रेडिटर, बिल्स पेबल। एसेट साइड काफी बड़ी लिस्ट है, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर एंड फिक्चर, इन्वेस्टमेंट, करंट एसेट, स्टॉक, डेटर, बिल्स रिसीवेबल।
company decides to buy back the maximum number of equity share as may be permitted by the law. फिर से आपको टेस्ट 1, 2, 3 करना है, ठीक है? And what is the buyback price at ₹20 per share? You are required to pass journal entries and prepare post buyback balance sheet also. Test 1, test 2, test 3. Okay, start. लिखना पहले step 1, share outstanding test. तो यहां पर आपने उसको, उन्होंने आपसे पहले बायबैक के नंबर निकालने बोला है, फिर जर्नल एंट्रीज बोली है, और बाद में बैलेंस शीट भी पूछा है आपसे. तो ऐसे क्वेश्चन करीब 12 मार्क्स तक आ सकते हैं, 12-14 मार्क्स. तो पहला टेस्ट जो है सबसे इजी है, राइट हैंड साइड अमाउंट, पॉइंट नंबर ए. रेडी? नंबर ऑफ शेयर आउटस्टैंडिंग 8 lakh. B, 25% of shares outstanding, कितना होता है? 2 lakh. Is right 2 lakh. फिर लिखना step 2, resource test. Question book सामने, liability side देखते रहना. राइट हैंड साइड रुपीस, पॉइंट नंबर ए, पेड अप शेयर कैपिटल, पेड अप शेयर कैपिटल अमाउंट 80 लाख. पॉइंट बी, फ्री रिजर्व 10 लाख, प्लस 50 लाख, प्लस 20 लाख, टोटल 80 लाख, 10 लाख, 50 लाख, 20 लाख, बोलो जी. 80 लाख. पॉइंट नंबर सी, टोटल शेयर होल्डर्स फंड्स, टोटल शेयर होल्डर्स फंड्स ए प्लस बी, 1 करोड़ 60 लाख, 1 करोड़ 60 लाख. पॉइंट डी, 25% ऑफ शेयर होल्डर्स फंड, 25% ऑफ शेयर होल्डर्स फंड, बोलो 40 लाख. बायबैक प्राइस कितना है? 20 है. लिखो बायबैक प्राइस पर शेयर गिवन 20 रुपीज. 20 दिया हुआ ही है. तो अब हमें 40 लाख डिवाइड बाय 20 करना होगा. सो व्हाट इज द नंबर ऑफ शेयर्स दैट कैन बी बॉट बैक? नंबर ऑफ शेयर्स दैट कैन बी बॉट बैक, डी अपॉन ई, इज इट 2 लाख? पहला आंसर कितना था? वो भी 2 लाख ही था. अब हमें एक और टेस्ट करना होगा, डेट इक्विटी टेस्ट. स्टेप 3 लिखना, डेट इक्विटी रेशियो टेस्ट, डेट इक्विटी रेशियो टेस्ट लिखा. और इस बार भी हमारा सोर्स ऑफ बायबैक फ्री रिजर्व ही है, तो आप लिखना लेट नंबर ऑफ शेयर्स टू बी बॉट बैक बी एक्स, लेट नंबर ऑफ शेयर्स टू बी बॉट बैक बी एक्स. देयरफॉर अमाउंट टू बी ट्रांसफर टू सीआरआर, देयरफॉर अमाउंट टू बी ट्रांसफर टू सीआरआर इज इक्वल टू फेस वैल्यू 10 रुपीज इंटू नंबर ऑफ शेयर 10x, राइट? एंड फंड्स यूज फॉर बायबैक 20 रुपीज है, इस बार 20x, पिछली बार 25 था, उसके पहले 30 था, चेंज होता रहेगा, ये याद करके मत चले जाना. अब बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड के लास्ट के 4 आइटम को देखो. डिबेंचर है, अनसिक्योर्ड लोन है, क्रेडिटर है, बिल्स पेएबल है. तो ये हो गया हमारा डेट, ये हो गया डेट 20 लाख 20 लाख 20 लाख प्लस 10 लाख. पूरा लिखो 20 लाख प्लस 20 लाख प्लस 20 लाख, 3 बार 20 20 है, और फिर 10 लाख. ये आपका डेट हो गया. ये आपकी प्रेजेंट इक्विटी है 1 करोड़ 60 लाख.
उसमें से हम 10x ट्रांसफर करेंगे CRR में, तो उतने से फ्री रिजर्व कम हो गया, माइनस 20x उतने से मेरा इक्विटी कम हो गया, तो बायबैक के बाद हमारा शेयर कैपिटल एंड फ्री रिजर्व इतना बचेगा जो हमने डिनोमिनेटर में लिखा है, शुड बी इक्वल टू 2. सॉल्व. आखिरी मौका है, इसके बाद आपकी तकदीर. जितने क्वेश्चन पिछले 19 साल में आए थे सब कर लिया हमने, ठीक है. हाँ, इस चैप्टर को इंट्रोड्यूस हुए 19 ईयर्स हो गए ना, 2000 में तो बायबैक इंडिया में आया था, आते साथ ही पहले साल ही क्वेश्चन आना चालू, सारे हमने असेंबल कर लिए एक जगह पे अभी. तो ये आंसर कितना है, 4,16,667. बहुत ज्यादा है, तो क्या हम 2,00,000 बायबैक कर सकते हैं? तो हम तीनों आंसर को एक जगह पे लेकर आते हैं, ठीक है. स्टेप नंबर फोर, maximum number of shares to be bought back. राइट हैंड साइड नंबर ऑफ शेयर्स, पॉइंट नंबर ए, शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट के अनुसार हम कितना बायबैक कर सकते हैं, 2,00,000. शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट था ना, 2,00,000. रिसोर्स टेस्ट स्टेप टू, 2,00,000. डेट इक्विटी रेशियो टेस्ट बोलो, 4,16,667. स्टेप थ्री लिखो ब्रैकेट में, पॉइंट डी लिखना, मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स दैट कैन बी बॉट बैक, ब्रैकेट में लिस्ट ऑफ द अबव. तो आप देखेंगे आपका आंसर है 2,00,000, राइट. नीचे एक नोट वन लिखना, डेट इंक्लूड्स शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज इनटू ब्रैकेट करंट लाइबिलिटीज आल्सो. फिर हम इस बार भी 3 एंट्री पास करेंगे. 2,00,000 शेयर आप बायबैक करना चाहते हैं, 2,00,000 शेयर बायबैक करना चाहते हैं, फिर बायबैक का सोर्स क्या है, फ्री रिजर्व. तो हम CRR में ट्रांसफर करेंगे, 10,00,000 ही है मेरे पास जनरल रिजर्व, 10,00,000 ही है ना, लेकिन ट्रांसफर कितना करना पड़ेगा, 20,00,000. तो 10,00,000 पिनल अकाउंट डेबिट कर देना, ठीक है. लिखो जर्नल एंट्रीज, लिख लिया जर्नल एंट्रीज, फॉर्मेट ड्रॉ करना, जर्नल एंट्रीज का फॉर्मेट, डेट, पर्टिकुलर्स, रुपीस, डेबिट क्रेडिट, रुपीस, हाफ पेज ड्रॉ करो. जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट चाहिए तो हमें 20,00,000, लेकिन यहां है उन सिर्फ 10,00,000, तो जनरल रिजर्व अकाउंट 10,00,000 डेबिट. फिर लिखना पीएनएल अकाउंट डेबिट 10,00,000 टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट 20,00,000 टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट 20,00,000 लिखा. नरेशन होमवर्क, 2 लाइंस ब्लैंक. इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सेकेंड एंट्री, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 2,00,000 इंटू 10, 2,00,000 इंटू
10, 20 lakh. Securities premium account debit, 2 lakh into 10, क्योंकि 10 का शेयर 20 में बायबैक कर रहे हैं, तो 10 रुपया बायबैक प्रीमियम हुआ. क्या हमारे पास सिक्योरिटीज प्रीमियम में 20 लाख रुपए हैं? है. टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट 40 लाख, टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट 40 लाख. नरेशन, होमवर्क, टू लाइंस ब्लैंक, लास्ट एंट्री, इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 40 लाख. इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 40 लाख. लिखा. अब लिखो बैलेंस शीट ऑफ एबीसी लिमिटेड एज ऑन 1st April 2008. बैलेंस शीट ऑफ एबीसी लिमिटेड एज ऑन 1st April 2008. होमवर्क, ठीक है. एक बार जरा होमवर्क की लिस्ट बनाते, सिर्फ बैलेंस शीट आपको बनाना है 3-4 जगहों पे. कौन कौन से क्वेश्चन की बैलेंस शीट बनानी है? 16, 17, 18 और पहले के भी तो 2 थे, 3 और 5. तो ये 5 बैलेंस शीट रेडी करके लानी है कल, ठीक है. एंट्रीज मिल गई आपको, एंट्रीज मिल गए, उसके बाद बैलेंस शीट बनाना इजी है ना. जहां जहां डेबिट क्रेडिट हुआ उतने से उसको प्लस माइनस करके नई बैलेंस शीट बनानी है आपको. राइट, नाउ विल कंटिन्यू टुमारो.